गाइस, आज के इस रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। ये पुआ की रेसिपी होली के त्यौहार में बनाया जाता है। इसे बच्चे, बूढ़े और सभी कोई खाना पसंद करते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलते हैं पुआ बनाने की ओर। बनाने के लिए मैं इस कटोरे से 2 कटोरा मैदा ली हूँ और ये आधा कटोरा सूजी, आधा कटोरा चीनी, 1 गिलास दूध और साथ में किशमिश, नारियल और ये सौंफ है। सबसे पहले मैं एक बर्तन लेती हूँ, इसमें मैं मैदा डाल लेती हूँ, एक कटोरा मैदा और ये दूसरा कटोरा मैदा है और साथ में मैं इसमें सूजी, ये भी ये आधा कटोरा सूजी है, इन सभी को मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं अब चीनी को डाल लेती हूँ और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। चीनी को मैं मिक्सर में पीस करके डाली हूँ जिससे ये अच्छी तरह से जल्दी घुल जाए और मालपुआ रेडी हो। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके मैं घोलते जाऊँगी। और इसे मैं मिलाते जाऊंगी अच्छी तरह से, इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूंगी। देखिए गाइस, इस तरह से हमने ये गाढ़ा बैटर घोल लिया है। इसमें मैं किशमिश, नारियल इन सभी को डाल करके मिक्स कर लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ जिससे ये अच्छी तरह से पुआ फूले। और कुछ देर के लिए मैं रेस्ट में इसे छोड़ देती हूँ। ये पुआ का बैटर अच्छी तरह से फूल चुका है, देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए। गैस में मैं कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और तेल गरम कर रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इस पुआ का घोल को डाल लेती हूँ तेल में और फिर मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ। ये ऊपर आ जाएगा, इसके बाद मैं थोड़ी देर पकने दूंगी। ये एक साइड पक चुका है, अब मैं इसे उलट दूंगी और मैं थोड़ा देर इसे पकने दूंगी। ये देखिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तरह दूसरा पुआ को भी मैं बना लूंगी और बाकी सारे पुओ को भी इस तरह मैं तेल में छान लूंगी। गाइस, ये हमारा पुआ बन करके रेडी हो चुका है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और ये बनाना भी बहुत आसान है। पुआ विशेषकर होली में बहुत ही लोग खाना पसंद करते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हमारा ये पुआ बनाने की रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो इस बार जरूर एक बार होली में ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।